हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल वैशाली कैंपस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एएलपी सीबीटी 2 का ऑब्जेक्शन, इसमें कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन पे डाउट है तो उसको क्लियर कीजिए और ऑब्जेक्शन कीजिए, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा हुआ है ऑब्जेक्शन का, सिर्फ कल भर तक का टाइम है। तो आप कोई भी क्वेश्चन है उसको डिस्कस कीजिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम ग्रुप एक बना दिया हूँ, वहाँ पे आप लोग ज्वाइन होइए और क्वेश्चन शेयर करिए और कोई भी क्वेश्चन है डाउट क्लियर कीजिए और ऑब्जेक्शन कीजिए। क्योंकि अगर आपका यहाँ से एक एक नंबर भी मेरिट लिस्ट के लिए बहुत काम आएगी पार्ट ए के लिए, और जिनका पार्ट बी में अगर जिनका एक दो नंबर से है अगर कोई क्वेश्चन पे डाउट है तो वो भी लोग भी ऑब्जेक्शन कीजिए, क्योंकि वहाँ से आपको 26.5 नंबर पुड़ जाएगा, हो सकता है तो पुड़ जाए, तो आप लोग वहाँ से क्वालिफाई कर जाइएगा। तो आप लोग ऑब्जेक्शन कीजिए। इस वीडियो में हम आपको डिटेल्स बताएंगे कैसे ऑब्जेक्शन करनी है और कैसे आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। दोस्तों, जैसे ही आप अपने यूजर नेम, यूजर रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ से लॉग इन कीजिएगा तो उसके जस्ट बगल में ऑब्जेक्शन डिटेल्स आएगी, उस पर क्लिक कीजिएगा तो इस तरह की पेज खुल जाएगी। तो आपको इस तरह की पेज खोलनी है। आपका इसमें फिलअप करनी है किस डेट का एग्ज़ाम था, कौन सा शिफ्ट था, और इसमें देखिए एक यहाँ पे है क्वेश्चन आईडी और टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आईडी में मैं आपको बताता हूँ कि क्या भरना है, और टाइप ऑफ क्वेश्चन में देख लीजिए आपको किस किस टाइप का क्वेश्चन है जिस पर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए हम इसमें आपको बताता हूँ। तो देखिए, ऑल ऑप्शन करेक्ट, मतलब अगर आगा क्वेश्चन में कोई भी सारे ऑप्शन करेक्ट है उस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। इनकरेक्ट क्वेश्चन, मल्टीपल करेक्ट आंसर और इनकरेक्ट आंसर, तो ये आपका चार टाइप का चार। और यहाँ पे नीचे और देख लीजिए ट्रांसलेटर, मतलब अगर आपका इंग्लिश में और हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है वो है मिसप्रिंट, तो उस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। और उसके बाद आपका एनी अदर मिस टेक, ये भी कर सकते हैं, और क्वेश्चन ऑफ द सेम सेट, तो ये भी इस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो इस इतने टाइप का क्वेश्चन है जिस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन करना है कि क्वेश्चन में क्या गलत है और क्या सही होगा। तो आपको सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज यूज करनी है, कोई भी दूसर लैंग्वेज यूज नहीं करनी है, ना हिंदी ना बंगाली, जो कुछ सिर्फ ओनली इंग्लिश लैंग्वेज को यूज करनी है ऑब्जेक्शन में, एक्सप्लेनेशन में। तो यहाँ सिंपल में लिख देना है कि सर आई एम, सर दिस क्वेश्चन इज आंसर इज ए सही बिकॉज इसमें दिस फार्मूला से अप्लाई, ऐसा करके आपको सिंपल लैंग्वेज में लिख देनी है जिससे सामने वाले को समझ में आ जाए। अब बात करते हैं क्वेश्चन आईडी क्या है। तो चलिए हम आपको क्वेश्चन के तरफ ले जाऊँ, वहाँ पर आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन आईडी क्या है। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन आईडी करने था, आपका जिस क्वेश्चन होगा इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आईडी आपका है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन आईडी पहले वाले हैं और ऑप्शन आईडी भी दिया गया है, तो आपको ऑप्शन आईडी भी है यहाँ पे। एक क्वेश्चन आईडी जो क्वेश्चन होगा इसका ये नोट पहले कर लेना है और यही सेम सीरियल नंबर दे के वहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो आप वहाँ पे सही से कीजिएगा, इसको पहले नोट डाउन कर लीजिएगा और सेम सीरियल नंबर वहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो दोस्तों आपको बता दूं कि ऑब्जेक्शन में अगर आपको पर क्वेश्चन 50 रुपीज़ लगेगी पर क्वेश्चन, अगर आपका क्वेश्चन सही हो जाता है तो ये आपका रिफंडेबल है, अगर क्वेश्चन गलत हो गया तो ये रिफ़ंड नहीं किया जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे पैसे मत सोइए, आपको कोई भी क्वेश्चन पे डाउट है तो ऑब्जेक्शन कीजिए, क्योंकि यहाँ से एक एक नंबर आपका मायने रखेगी। तो यहाँ से ऑब्जेक्शन कीजिए, और अगर कोई भी क्वेश्चन पर डाउट है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप एक बना दिया हूँ आप लोगों के लिए, तो वहाँ पर ऐड होइए और कोई भी क्वेश्चन है वहाँ पर शेयर करके आप डाउट क्लियर कीजिए। तो अगर आपका में अगर कोई भी डाउट रह जाती है तो कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अगर आपका पेमेंट की बात है तो आप ऑनलाइन पेमेंट, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या जैसे भी पेमेंट करना है तो वैसे पेमेंट करके आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, कल 12 बजे तक ही टाइम है, तो आप लोग जल्दी जल्दी ऑब्जेक्शन कीजिए
अगर कोई भी क्वेश्चन पे डाउट है, और डिस्कस करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होइए, डिस्कस कीजिए। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू। नेक्स्ट अपडेट में आपसे फिर मिलते हैं दोस्तों। अगर कोई भी डाउट हो जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए ए, और आपका अगर नंबर भी है तो नंबर शेयर कीजिए, तो जिससे आपका मालूम चल जाए। थैंक यू। नेक्स्ट अपडेट में आपसे फिर मिलते हैं।